वालेकुम दोस्तों, बाद नमाज ज़ोहर 5 मार्च बरोज़ जुमेरात 2020 मैं खाना काबा में मुताफ़ में मौजूद हूँ। और जैसा कि दुनिया भर से लोगों ने मुझसे मालूम किया है कि आप मक्का में मौजूद हो, तो मक्की की क्या पोजीशन है, क्या उम्रा रोक दिया गया है? जी दोस्तों, जो लोग जद्दा से मक्का आ रहे हैं, चाहे वो मुकामी लोग हों, उन्हें मक्का नहीं आने दिया जा रहा। और जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं और मक्के से मदीना गए, तो वापसी पे उनसे कंफर्मेशन ली जाती है कि आपकी होटल की बुकिंग है या नहीं है। अगर उन लोगों की होटल की बुकिंग होती है तो उन्हें उम्रे के लिए छोड़ दिया जाता है। मैं गुज़िश्ता कई सालों से आ रहा हूँ यहाँ पे मक्के में, मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि 40-45% लोग जो है ना वो अहराम की हालत में हमेशा होते थे और तवाफ कर रहे होते, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तकरीबन 2-4% लोग जो है ना वो अहराम की हालत में हैं और तवाफ कर रहे हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो जो पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में डिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि जी तवाफ़ रोक दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए और मुकामी लोग तवाफ़ कर रहे हैं और अल्लाह की हमद सना बयान कर रहे हैं और अपने लिए और अपने मुल्क के लिए दुआ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी वही रश है, वही लोग हैं, वही मामलात हैं। सिर्फ यह है कि हिफ्ज़े मा तकद्दम के तौर पे, ताकि यहाँ कोरोना वायरस मुकामी लोगों को ना लग जाए, एहतियाती तदाबीर के तौर पे इन्होंने जो है वो उम्रा रोका है। बाकी तवाफ़ के लिए किसी को कोई मना नहीं है। और जो लोग पाकिस्तान से या दूसरे ममालिक से आएँ, वो अगर चाहें तो मस्जिद से आयशा से भी अहराम बन के उम्रा कर सकते हैं, वहाँ उस पर कोई पाबंदी नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखें मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए और ये तवाफ़ कर रहे हैं। और देखें अल्हम्दुलिल्लाह, हरम फुल भरा है और अल्लाह के घर का तवाफ़ जारी है। बहुत शुक्रिया आपका भाई मक्का मुकर्रम।